So good afternoon, kids, and hope you're all doing fine. So today we'll deal with one of your papers, AECC 104, jo aapka writing skills ka paper hai. It's called Ability Enhancement Compulsory Course. Ye jitne bhi aap first years hai, sabke liye hai. This paper is a compulsory paper, and basically isme aapke kya hai, hum writing skills pe kaam karenge. As we spoke about it earlier, there are four primary skills: writing, reading, speaking, listening. Writing, reading पे तो हमारा काम चलेगा ही, बाकी चीज़ें क्या है आप प्रैक्टिस करते रहिए. इस कोर्स के लिए यू डोंट रियली नीड टू बाय एनी बुक्स, तो इसीलिए मैं इससे शुरुआत कर रहा हूँ. इस और कई चीज़ें की ये क्या है, आप बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश यू हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स इन स्कूल, जैसे लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, इस तरह की चीज़ें, राइट? सो इट्स विल बी वेरी ईजी एंड यू डोंट नीड टू बाय एनी बुक्स. आप अभी जैसे मैं ये सिलेबस का आपको एक क्या है स्लाइड शेयर कर रहा हूँ फोटोग्राफ, तो इसमें आप देख सकते हैं. डोंट बॉदर अबाउट द इंटरनल असेसमेंट. इस साल पता नहीं आपका क्या सिस्टम होने वाला है, वो बाद की बात है. बट फॉर नाउ एज यू कैन सी, आपके 8 टॉपिक है इसमें. दिस विल बी नोटिस, नोटिस राइटिंग, जैसे जब आप क्या है कोई कुछ भी, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड, या फिर आज कुछ आपको ऑर्डर देना है, जैसे कॉलेज में आप देख रहा होगा या स्कूल में देखा होगा, एक नोटिस बोर्ड होता है, एंड देयर यू पुट अप इंफॉर्मेशन कि क्या है, आई लॉस्ट माय वॉलेट, या फिर टुडे इज़ टुमारो इज़ द क्या है एनुअल स्पोर्ट्स डे, प्लीज़ सबमिट योर नेम्स, इस तरह की चीज़ें, ज़रूरी जानकारी. देन यू हैव लेटर राइटिंग, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक अनौपचारिक पत्र, जो आप क्या है कर ही चुके हैं इंग्लिश हिंदी में आई एम श्योर ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम. साइड में मार्क्स भी दिए हैं, यूजली क्या है किस नंबर का ये क्वेश्चन आता है आपको फाइनल एग्जाम्स में. रिज्यूमे राइटिंग क्या है, जब इट्स बेसिकली अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर जो क्या है अकम्प्लिशमेंट्स, एजुकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, और जो क्या है आप जॉब के लिए तब एक जो क्या है एक समरी, एक डॉक्यूमेंट है, वो आप सबमिट करते हैं ताकि शॉर्ट लिस्ट हो, तब फिर आगे इंटरव्यू बड़े होते हैं. इन पर हम और बात करेंगे. देन देयर इज डायरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग जो कि सिंपल है, बेसिकली क्या है रिपोर्ट राइटिंग, जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, इस तरह किसी भी घटना की बारे में आपको कई तरह की रिपोर्ट्स होती है. समरी यानी कि क्या है सार लिखना, या नोट मेकिंग जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है, जैसे यू नो एनीथिंग, यू रीड अ बुक, यू गो टू अ लेक्चर, आप कैसे उसको निचोड़ के यानी पॉइंट्स में बना सकते हैं नोट्स, या फिर उसका एक सार बना सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली क्या है फीचर आर्टिकल या फिर इंटरव्यू. इंटरव्यू आपको पता है कई प्रकार के होते हैं, एंड फीचर आर्टिकल जैसे जो क्या है आप अखबार में पढ़ते हैं कई चीज़ें, जैसे कि जो क्या है मणिमहेश यात्रा के बारे में किसी ने रिपोर्ट लिखी हो, या फिर किसी डिश के बारे में, कल्चरल चीज़ें, दोज आर लाइक फीचर आर्टिकल्स. एनी हाउ आज हम क्या है प्राइमरली बात करेंगे आपके पैराग्राफ राइटिंग में. यूजली यू नो अगर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका पैराग्राफ, एक ही टॉपिक पे होता है, जैसे करप्शन या कोरोना. आजकल जैसे आपको बोला जा सकता है कि कोरोना के बारे में आप एक पैराग्राफ लिखिए, और उसमें क्या है एक याद रखिएगा, ये गलतियाँ आप लोग अक्सर करते हैं, आपके सीनियर्स करते थे, यू डोंट नीड टू हैव पैराग्राफ ब्रेक्स. जैसे यू नो एक ही पैराग्राफ शुरुआत से अंत तक, एक ही आपको पैराग्राफ में पूरा आंसर देना है, यू शुड नॉट ब्रेक इट, और पॉइंट्स में नहीं देना नंबर वन नंबर टू, और बीच में स्पेस नहीं छोड़नी, शुरुआत से अंत तक एक पैराग्राफ होना चाहिए. बेसिकली यू नो इट्स वेरी सिंपल, आप करते आ रहे हैं. टू पॉइंट्स आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज बेसिकली, जो कि पैराग्राफ ही नहीं, इट विल हेल्प यू विद रिगार्ड टू एनी राइटिंग एक्सरसाइज. एक ये है कि कोई भी आपको जैसे कुछ लिखना है किसी चीज़ के बारे में, यू वांट टू राइट ऑन सम सब्जेक्ट, वेदर इट इज़ अ पैराग्राफ और इवन लाइक यू नो लिटरेचर पेपर के आपके आंसर्स हैं, थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ थ्री थिंग्स, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, यू नो इंट्रोडक्शन, एक्सपेंशन उसका आइडिया का, और फिर कंक्लूजन. तो बेसिकली शुरुआत में क्या है जो भी आपका टॉपिक है, मान लीजिए कोरोना पे लिख रहे हैं, तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि कोरोना वायरस है क्या चीज़, कैसे शुरुआत हुई इसकी, किस तरह से ठीक है ये सब, कब समय है ये सब, एंड देन यू ग्रेजुअली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मिडिल, जब इसी आइडिया को अब आप एक्सपैंड करेंगे कि यू नो इसके लक्षण क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स, इसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन देश कहाँ पर है इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, एंड फाइनली यू नो यू कंक्लूड द आइडिया, आप निष्कर्ष निकालते हैं, समाप्त करेंगे. कैसे करेंगे, यू कैन यू नो जस्ट से कि हाँ अभी क्या चल रहा है वैक्सीन के बारे में, और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं दुनिया भर में, यू नो, सो थिंग्स लाइक दैट. इट कुड बी एन एसे, इट कुड बी अ पैराग्राफ, इट कुड बी अ लेटर, और इट कुड बी एन आंसर टू योर लिटरेचर क्वेश्चंस,
किसी भी चीज़ को आप थोड़ा इस नज़रिए से देखने लग जाइए, बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। दिस विल हेल्प यू फॉर ऑल योर राइटिंग एक्सरसाइजेज, इवन स्पीच। मान लो कल को आपको क्या है, आप स्पीच देनी है, बिगिनिंग मिडिल एंड, यू नो, एक बड़ा एक ईजी एक ट्रिक है। किसी आइडिया को इंट्रोड्यूस करना है, उस आइडिया को फिर आपको थोड़ा खींचना है और फाइनली उसका निष्कर्ष निकालना है। दी अदर थिंग सेम उसी पे थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, आई वुड से 6 W's, यू नो, वो क्या है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, यू नो, 6 questions। तो जैसे क्या है, आपको ये बेसिकली अगेन, जैसे फॉर इंस्टेंस फॉर योर एसे क्वेश्चंस या फिर जो लॉन्गर क्वेश्चंस हो, चाहे 10-15 मार्क्स के, तो उसमें अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है फाइनली क्या लिखना है, सो यू कैन ऑलवेज फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। हु, किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, व्हाट, किया क्या है उन लोगों ने, व्हेन, कब की समय की बात है, वेयर, कहाँ पे, हाउ, कैसे किया, जो भी घटनाओं के बारे में, और फाइनली व्हाई, कारण क्या है। व्हाई सवाल बड़ा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। And you can only also apply this to your literature paper. जैसे अब जाके मैंने आपको पहले ही बताया था, it won't be like school की simply, हाँ, what did Mr. A say to Mr. B? You know, we'll get more into the why of things and how and all of that, you know, कि किसने लिखा है, who wrote it, किस समय में लिखा, when, where, कहाँ पे, उन realities को कैसे दर्शा रहे थे, how and finally why, you know, क्या क्या कारण है। So basically 2 tricks again, you know, beginning, middle, end, and then 6 W's, writing, just to help for your writing exercises. ठीक है, तो short and sweet, I think that is about it. So now I'll just like to give an exercise, you know. एक आप काम कीजिए, just write a paragraph on your village या फिर colony, जहाँ पे भी आप रहते हैं, अपने गांव या घर आसपास के बारे में एक paragraph लिखिए. It's very simple, yeah. और फिर हम इसी AEC, जब तक until you get your books, we will continue with AECC. All right? Okay. Bye.